साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पिछले वीडियो में मैंने आरोप लगाया था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देती है, चाहे वो पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला हो, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का मामला हो, या लोक सेवकों के निलंबन से लेकर उनकी गिरफ्तारी का मामला हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा इस तरीके के मामले आए, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार, उनके कार्यकाल में कोई भी सिंगल मामला इस तरीके का नहीं आया कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने के लिए या उसके डिमोशन के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाए। राजीव यादव, जो लखनऊ के सेवा योजन निदेशालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे, उनको पहले निलंबित किया गया, उसके बाद उनके डिमोशन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लाया गया, जहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने डिसीजन लिया कि अब इनको डिमोट कर दिया जाता है। ये अपनी तरह में अनोखा फैसला है, लेकिन मैं बात केवल राजीव यादव या अमर सिंह पटेल, जो अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष थे, उनकी नहीं कर रहा हूं। कुछ उदाहरण और बताता हूं आपको। जानकारी के हिसाब से योगी आदित्यनाथ की सरकार में जहां अभी तक 8 सरकारी शिक्षकों, एक बेसिक शिक्षा अधिकारी, एक डिप्टी डायरेक्टर, एक आईपीएस को निलंबित किया जा चुका है, वहीं सचिवालय के अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। उनसे हाल में ही दोबारा पूछ लिया गया है नोटिस देकर कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सभी सरकारी शिक्षकों के नाम बता देता हूं। रायबरेली से निरंकार शुक्ला को निलंबित किया गया, श्रावस्ती से सत्यप्रकाश वर्मा को किया गया, मिर्जापुर से रविशंकर यादव को किया गया, आजमगढ़ से नंदीजी यादव को किया गया, बाराबंकी के शिक्षक सुरेंद्र कुमार को किया गया, सुल्तानपुर के अमरेंद्र कुमार को किया गया, रायबरेली के रविंद्र कन्नौजिया को किया गया, इसके अलावा रायबरेली के ही राजेश शुक्ला को किया गया और शाहजहांपुर के शिक्षक दिलीप सिंह यादव को किया गया। इसके अलावा एक आईपीएस 2010 बैच के हिमांशु कुमार, जिन्होंने अपने ट्विटर पर यह सवाल उठा दिया था कि खास जाति के अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की सरकार परेशान कर रही है, इसके बाद उनको निलंबित कर दिया गया था। वहीं मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे दिनेश यादव को भी इसलिए निलंबित कर दिया गया था कि उन्होंने पुलवामा हमले पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया था कि इसके पीछे कोई साजिश नजर आ रही है। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर राजीव यादव को न सिर्फ 1.5 साल तक निलंबित रखा गया, बल्कि कैबिनेट में डिसीजन करके उनका डिमोशन भी कर दिया गया। अपनी तरह का अनोखा मामला है। इन सारे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण सेवा नियमावली 1956 को ढाल की तरह प्रयोग किया, और उसमें भी नियम कुल मिलाकर के 36 हैं, लेकिन 36 नियम में से नियम नंबर 7, जो नियम है सरकार की आलोचना, इसको ढाल बना करके इन सब लोगों पर कार्रवाई की। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि नियम नंबर 7 क्या है। कोई भी सरकारी सेवक किसी रेडियो प्रसारण में अपने नाम से अथवा गुमनाम अथवा किसी अन्य नाम से किसी लेख अथवा समाचार पत्र में भेजे गए पत्र अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसे तथ्य की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के किसी निर्णय की प्रतिकूल आलोचना होती हो। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की किसी नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना होती हो, इसी में नियम नंबर 2 है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के विदेशी सरकार के संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो। इसी नियम का सहारा लेकर के कर्मचारियों के जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको छीनने की कोशिश लगातार राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेशनल जनमत आपको सिर्फ ये बताना चाहता है कि इस आचरण सेवा नियमावली के माध्यम से सरकार का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि वो सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के काम को ठीक करें या उनके आचरण को ठीक करें। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरीके से वो अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आचरण सेवा नियमावली में 36 नियम हैं। अगर उन नियमों का ठीक से पालन करा दिया जाए तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और आम आदमी जो परेशान रहता है कि सरकारी विभागों में उसके काम नहीं हो रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। नियमावली का अगर ठीक से पालन करवा दिया जाए तो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में से 70-80% कर्मचारी और अधिकारी या तो निलंबित करने पड़ जाएंगे या उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। पूरा नियम आपको बता रहा हूं, पूरे 36 नियम तो नहीं बता सकता, लेकिन चुनिंदा नियम बताता हूं आपको कि उनका पालन करवाना कितना आसान नहीं होगा। नियम नंबर 3 में कहा गया है, प्रत्येक सरकारी सेवक पूरे समय अपनी नौकरी के दौरान परम सत्यनिष्ठता तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा।
परम सत्यनिष्ठा की व्याख्या की गई है, सच्चाई से, ईमानदारी से, शुद्धता से, यहां तक कि वो घूस नहीं लेगा, अपनी आय के अनुपात से अधिक की संपत्ति नहीं खरीदेगा। नियम नंबर 3 का अगर उपयोग कर लिया जाए तो आप खुद नजर दौड़ा के देख लीजिए अगल बगल कि कितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस दायरे से बाहर होंगे। ऐसे ही नियम नंबर 4 है, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना। उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक सरकारी सेवक सभी लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ या धर्म के क्यों ना हो, समान व्यवहार करेगा। कोई भी सरकारी सेवक किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण नहीं करेगा। लेकिन स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से ज्यादा जातिवाद, जातिगत भेदभाव कोई नहीं करता है। काम लेने से लेकर सारे ठेके पत्ते और लोगों को योजनाओं का लाभ देने से लेकर जाति का ही खेल चलता है। इसी में नियम नंबर 4 का है, मादक पान और औषधि का सेवन। इसमें कहा गया है किसी भी क्षेत्र जहां वह उस समय विद्यमान हो, वो मादक पान अथवा औषधि संबंधी जारी किसी भी आदेश का दृढ़ता से पालन करेगा। अपने कर्तव्य पालन के दौरान किसी मादक पान या औषधि से प्रभावित नहीं होगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि वह किसी भी समय अपने कर्तव्य पालन में ऐसे पेय अथवा भेषज से प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब कि मादक पान सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर इसका पालन करा दिया जाए तो कितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सेफ रहेंगे, यह आप खुद समझ लीजिए। नियम नंबर 5 राजनीति तथा चुनावों में भाग लेने से संबंधित है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी विशेष से अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहिर नहीं करेगा। यहां पर मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि वो डिप्टी एसपी जो गोरखनाथ पीठ के अंदर अपनी वर्दी में आपके चरण स्पर्श कर लेता है, उसको आप निलंबित या बर्खास्त क्यों नहीं करेंगे? कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के हिसाब से देखा जाए तो उसका ये आचरण उसके सरकारी काम में बाधक बन सकता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष के प्रति जो एक पार्टी से संबंध रखता है अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है। वहीं पर इसका 5 का कहता है प्रदर्शन एवं हड़ताल के संबंध में। हड़ताल के संबंध में ये नियम कहता है सरकारी सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से संबंधित मामले में ना तो हड़ताल करेंगे और ना हड़ताल करने के लिए उत्प्रेरित करेंगे। शासन द्वारा समय समय पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी सेवक हड़ताल पर जाते हैं तो उनके विरुद्ध इस नियम की अवहेलना के लिए कार्रवाई की जाए। अब समझ लीजिए कि जो ज्यादातर हड़तालें होती हैं वो सरकारी सेवक अपनी ही समस्या से जुड़े हुए करते हैं, कभी सैलरी बढ़ाने की समस्या, कभी पेंशन से जुड़ी हुई समस्या, लेकिन नियम ये कहता है कि उठा करके सबको निलंबित कर दिया जाए। नियम नंबर 10 चंदे से संबंधित है। सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही सरकारी सेवक चिकित्सीय सहायता, शिक्षा या सार्वजनिक उपयोगिता अथवा धर्मार्थ प्रयोजन के लिए चंदा या वित्तीय सहायता मांग सकता है। नियम नंबर 11 भेंट से संबंधित है। उसमें कहा गया है कोई सरकारी सेवक बिना शासन की पूर्वानुमति के स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसका निकट संबंधी ना हो कोई भेंट, अनुग्रह, धन या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा, न ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी भेंट, अनुग्रह या धन स्वीकार करने की अनुमति देगा। लेकिन होता क्या है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, ये सारी चीजें वास्तविकता से कोसों दूर हैं। नियम नंबर 11 का, इस नियम को गौर से समझ लीजिए और देख लीजिए कि कौन सा ऐसा सरकारी कर्मचारी है आपकी नजर में जो इस नियम का पालन करता है। नियम नंबर 11 का है दहेज। कोई भी सरकारी सेवक ना तो दहेज लेगा, ना उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा। इसके अलावा इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वर वधु या वर वधु के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि सरकारी नौकरी लगते ही नौकरी के हिसाब से उसके रेट लगने तय हो जाते हैं। बड़ी नौकरियों के रेट 1 करोड़ से भी ऊपर चले गए हैं। तो ऐसे में सरकार इन नियमों का कितना पालन करवा पाती है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। नियम नंबर 15 में बताया गया है गैर सरकारी व्यापार या नौकरी। कोई सरकारी सेवक सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा, ना ही कोई नौकरी करेगा। इस नियम से बचने के लिए कोई अपनी पत्नियों को डायरेक्टर बना के रखे है, कोई अपने बच्चों को डायरेक्टर बना के रखे है, और कोई तो चुपचाप धंधों में लिप्त है। ज्यादातर अधिकारियों की, वरिष्ठ अधिकारियों की काम इसी तरीके से चल रहा है। नियम नंबर 15 का में बताया गया है
कि कोई सरकारी सेवक अपने घर में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम नहीं करवा सकता है, भले ही वो काम उसके घर का मकान भी बन रहा हो। लेकिन देख लीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों के जो मकान बन रहे हैं उसमें क्या 14 वर्ष से नीचे के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं लेबर के तौर पर? यह भी सरकारी नियम का उल्लंघन है। नियम नंबर 32, बिना मूल्य दिए सेवाओं का उपयोग करना, इंपॉर्टेंट है ये। इस नियम में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बिना मूल्य दिए कोई सरकारी सेवक किसी सेवा अथवा आमोद का स्वयं प्रयोग नहीं करेगा जिसके लिए उसने कोई शुल्क नहीं दिया हो। इसमें उदाहरण दिया गया है कि कोई सरकारी सेवक बिना टिकट खरीदे सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देख सकता। ये तो केवल एक बड़ी साधारण सी बात है। तमाम सारे लोक सेवकों को मैं जानता हूं जो शॉपिंग करने जाते हैं तो उनके ठेकेदार पीछे से पहुंच जाते हैं और उनको क्रेडिट कार्ड थमा देते हैं कि आपके बच्चों को, परिवार को जितनी शॉपिंग करना हो कर लीजिए। इसी का एक दूसरा नियम है, नियम नंबर 33, दूसरों के गैर सरकारी वाहन का उपभोग। कोई सरकारी सेवक सिवाय बहुत ही विशेष परिस्थितियों होने की दशा में किसी ऐसी सवारी गाड़ी को प्रयोग में नहीं लाएगा जो किसी असरकारी व्यक्ति की हो या किसी ऐसे सरकारी सेवक की हो जो उसके अधीन हो। लेकिन देखा यह जाता है कि प्रभावशाली व्यक्ति जिस जिले में तैनात होते हैं वो अपने तमाम सारे नाते रिश्तेदारों के साथ ही अपने पूरे परिवार को सुविधा देने के लिए इस तरह की गाड़ियों का उपयोग करते हैं जो गैर सरकारी होती हैं और ऐसे लोगों की होती हैं जो कभी ना कभी उन अधिकारियों से लाभान्वित होने के लिए फाइल को आगे बढ़ाते हैं। कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली में कुल 36 नियम हैं। मैंने चुनिंदा नियम आपके सामने रखे। इन नियमों को सुन करके आपको समझ लेना चाहिए कि कितने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इसके दायरे से बाहर रह पाएंगे। मैंने वीडियो में कहा ही था कि 70-80% लोगों को या तो बर्खास्त करना पड़ेगा या निलंबित करना पड़ेगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ सरकार का जो सिलेक्टिव कार्रवाई करने का तरीका है उसका विरोध भी दर्ज कराते रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।